जीन्स जब बनी थी तो इसको जीन्स नहीं बल्कि डेंगरीज कहा जाता था। शुरू में जीन्स सिंपली स्टर्गी ट्राउजर्स थे जो वर्कर्स पहनते थे स्पेशली फैक्ट्रीज ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू। वेल, इसकी एक रीज़न ये भी है कि जीन्स जल्दी गंदी नहीं होती, मगर जीन्स का ट्रेंड लेट 1950s में टीनेजर्स में बहुत मकबूल हो गया था। उस वक्त जीन्स पहनने के लिए जेंट जीन्स के जिपर फ्रंट और लेडीज जिपर्स राइट साइड पे होती थी। हिस्टोरिक पिक्चर्स इंडिकेट करती हैं कि 1960s से जीन्स वेयरिंग फैशन बन गया था। लेटर ऑन जीन्स विद लाइट ब्लू स्टेंसिल्स कैम्ब्रिक शर्ट यूनाइटेड स्टेट्स का नेवी वर्किंग यूनिफॉर्म भी रहा इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ 20th सेंचुरी। ये यूनिफॉर्म इसलिए सिलेक्ट किया गया क्योंकि ये उनकी वर्किंग रूटीन के लिए रिलायबल था। जीन्स सबसे पहले 1901 में इशू की गई थी स्ट्रेट लेग स्टाइल में, मगर 20th सेंचुरी के मिड में जीन्स बूट का स्टाइल में यूज की गई जिसको बेल बॉटम्स भी कहते हैं। जीन्स को इस फॉर्म में लाने का मकसद कोई स्टाइल डेवलप करना नहीं था बल्कि इसको सेलर्स के काम के दौरान हॉटर एनवायरनमेंट की वेंटिलेशन के लिए यूज़ किया गया था। इसी तरह का जीन्स बेस्ड यूनिफॉर्म उस जमाने के प्रिजनर्स के लिए भी बनाया गया था विद कैम्ब्रे टॉप्स। जब जीन्स इन फैशन हुई थी तो इट वॉज बैन इन थिएटर्स रेस्टोरेंट्स एंड स्कूल्स। अर्ली 60s में लोग जीन्स वेयरिंग को एक्सेप्ट करने लग गए थे एंड 70s में इट बिकेम अ जनरल फैशन इन यूनाइटेड स्टेट्स फॉर कैजुअल वेयर। पहले तो जीन्स में ब्लू कलर ही होता था, ब्लू जीन्स रिप्रेजेंट करती थी अमेरिकन कल्चर को। लेटर ऑन जीन्स एडेड मेनी ट्रेंड्स इन इट, फॉर एग्जांपल एसिड वॉच, क्लीन क्रीज, डर्टी वॉश, फ्रेड, इंडिगो, ओवर डाइड, प्री रिप्ड, सैंडविच, टोन वॉश, टिन जीन्स, विस्कर्स, टियर एंड रिपेयर। मगर आजकल जो जीन्स ट्रेंड्स में हैं उनमें स्किनी जीन्स, लो फ्लाई एंड लो फिट हैं। अगर हम गर्ल्स के ट्रेंड की बात करें तो इसमें भी वक्त के साथ साथ काफ़ी चेंजेस आती रही हैं। जैसे पहले स्ट्रेट जीन्स काफ़ी इन थी, फिर बेल बॉटम स्टेड फॉर अ लॉन्ग टाइम और आजकल स्किनी जीन्स आर इन टू फैशन अगेन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मुबशर बुखारी। मुबशर बुखारी, मुबशर नेचर पे काम किया गया आपने? नेचर पे काम। मैंने कपड़े देखे हैं, मुझे बहुत अच्छे लगे। आपका क्या इंस्पिरेशन? मेरा माँ अच्छा है, काफ़ी वर्क हार्ड कर रहा हूँ, 4 मंथ से कर रहा हूँ, स्टार्टिंग है, ठीक है। मैंने एक्चुअली नेचर में ट्रीज़ को और ब्रांचेस को फॉलो किया है, उसको लेके मैं आगे चल रहा हूँ। आप देख रहे हैं मेरे ड्रेसेस में ये सारा मतलब ऑलिव ग्रीन और ब्राउन का टच आ रहा है, वेरी गुड, ठीक है। मैंने बैकग्राउंड भी उसी तरह सेट किया कि मेरा ब्रांचेस और लीफ में वो टच आ जाए, तो मेहनत है वो मेरा कॉकटेल डिलीवरी है आपके सामने। क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी फ्यूचर से? हाँ, फ्यूचर इंशाल्लाह ऐसे मेहनत करूँगा और अच्छी होंगी डेफिनेटली। बात है अपना प्लान का, कहाँ तक जाना चाहते हो इस फील्ड में? एक होता ना माइंडसेट के बहुत आगे तक, और अपना ही ब्रांड स्टार्ट करना चाहता हूँ इसके बाद मार्केट में। स्टार्ट से? हाँ, अभी स्टार्ट से 2-3 महीने अभी इसको बीट करने का माइंड होता है ना कि मैंने इसको तो खा ही जाए। माइंड तो मेरा HSY यार, या भी लाइक कम है इंशाल्लाह। आगे इसके बाल नहीं है, तुमने उड़ा देने बाकी। मैं उड़ाऊंगा ना बाकी उसके बाद, रहेंगे थोड़े बहुत। अपने फैशन सीन के बारे में बताओ थोड़ा सा। मतलब क्या मेरा ये है कि मतलब मुझे कैजुअल भी पसंद है, कैजुअल पसंद है फॉर्मली पहनना, और मैंने मतलब ये अपने थीम के अकॉर्डिंगली। सारी लुक मुझे अच्छी लगी, सारी लुक अच्छी लगी। जूते दिखाना जरा, वाय निकाल के पत्तों में से। जूते की फॉर्मल, जूते फॉर्मल एक्चुअली बस मैं थोड़ा क्रोकोडाइल में चाह रहा था इसलिए। अच्छा। मतलब मुझे थोड़ा वो से सूट नहीं करते, मिल नहीं रहे थे, थोड़ा सा मैं शेप थी लेकिन। अच्छा। मुझे कैजुअल थोड़ा मिल नहीं रहे थे, ठीक है, इसलिए मैंने चला था बेल्ट नहीं पाना मैंने, बेल्ट लेस। आज की ड्रेसिंग को 1 से लेकर 11 तक नंबर दो अपने। अपने नंबर दो 9। चलो ठीक है, ओके। सो वी आर स्टैंडिंग हियर विद तैबा एंड यू कैन सी हर कलेक्शन, इजिप्शियन, राइट? तैबा जल्दी से आप बताओ कि क्या थीम थी, क्या इंस्पिरेशन था? जे बहुत पसंद है, जिस इंस्पायर हो गए मैंने अपनी थीम सेट की थी। बट रिसर्च बहुत की है। अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड। फेवरेट ड्रेस कौन सा आपका? कॉकटेल। जो कॉकटेल है इस पर आपने सबसे ज्यादा मेहनत की है? हाँ, इसलिए आपको पसंद है? इसलिए मुझे बहुत पसंद। ठीक है, कौन सा ड्रेस है? अगर आपको ऑप्शन दी जाए कि एक पार्टी है तैबा जाना है तो कौन सा ड्रेस पहनेंगे? कॉकटेल। कॉकटेल वाला, वो क्यों नहीं? वो कैजुअल में है, डे वेयर है, दिस इज डे वेयर। अच्छा, मैंने एक चीज नोट किया, आप लोग भी देख रहे हैं जितने डिजाइनर्स हैं सबकी जो डे वेयर है वो स्कर्ट्स है और ऊपर, क्योंकि ये क्या कहते हैं, कहाँ का डे वेयर है? डे वेयर मीन कैजुअल होता है। अच्छा, और कॉकटेल सेमी फॉर्मल होता है, इवनिंग वेयर जो फॉर्मल होता है। हमें नहीं पता था तो फिर हमें पता चल गया। मैंने भी ना आधा स्कर्ट निकल पहन के डे में निकलना। तैबा अपना फैशन सीन बताओ, कैसा आपको कैसा पसंद है फैशन? मुझे बस जो मुझे अच्छा लगता है मैं वो कैरी करती हूं। क्या अच्छा लगता है वो बता दें। लेकिन
माइल्ड सी ठंडी ठंडी जहन है, ठीक है। तो ये आज की ड्रेसिंग को रेट कर दो 1 to 11 दिन। 7 चार काटे चार बस ऐसे ही यार, हर चीज में ऐसे ही करोगी तो वो इतने बड़े बड़े जो मॉन्स्टर्स बैठे हैं इंडस्ट्री में। नहीं मैं बहुत टायर्ड बहुत हूँ, मैं सारी रात काम करती रही हूँ। जाएं आप रेस्ट करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू तैयबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? हिना। आपकी कलेक्शन वैलेंटाइन के ऊपर है, क्यों? क्यों बस ऐसे ही मुझे अच्छा लगता है वैलेंटाइन के लिए, इसलिए मैंने ये चूज कर लिया। कैसे सेलिब्रेट करती है वैलेंटाइन को? अकेले ही सेलिब्रेट करती हूं। सही कह रही हूं? सच बोल रही हूं। नहीं सच कि सच्ची है। अच्छा अकेले करती है, क्या करती है अकेले? कुछ भी नहीं करती, फ्रेंड्स के साथ बस गेट टुगेदर। फ्रेंड को क्या, मुझे फूल दे दे, एक को चॉकलेट दे दे, वेरी गुड, झूठ बोल रही है। अच्छा इना नाम था राइट? इना मुझे बताएं ये जो ड्रेस है आपका, आई रियली लाइक इट, ये वाला जी। इसके अलावा आपको कौन सा पसंद है? मुझे वो वाला कॉकटेल जो मेरा ड्रेस है वो। और डेवेयर कौन सी है? डेवेयर ये देख सकते हैं आप, दोबारा बेचारी के कपड़े नहीं पूरे और वो डेवेयर है। क्या सीन है? आपकी दोस्त है उसने भी कपड़े लड़की के उतार दिए, सबने डेवेयर में सीन किया है। ये बस अपनी अपनी चॉइस है, जैसे मजे डिजाइन ये ऐसी चॉइस है कि सबने डेवेयर में छोड़ हो सकते हैं, सेम चॉइस भी हो सकती है, कोई जरूरी ऐसी कैसे यार नहीं हो सकती है। दिस इज नॉट यार नॉट डन लेकिन मुझे बताएं कि अच्छा आप माशाल्लाह वो बुर्की में है, वेरी गुड वेरी गुड। और बाल शाल खुले मिलते हैं? कोई प्रॉब्लम नहीं? नहीं सर नहीं कोई प्रॉब्लम। वैसे जानना चाहती है ना कि कैसा लाइक करती है आप अपने वाली? कैसा लाइक है? बस सिंपल। चलो ठीक है ना, आज की ड्रेसिंग को रेट करो 1 to 11 सिंपल वाली। मोबाइल वाले देखना। मैं मोबाइल नहीं देख रही। ऑन किया तुमने, हमने पकड़ लिया। नहीं नहीं मैं वैसे भी देख रही हूं। कर दोगी तुम अब? नहीं करना, बाय बाय। चलो हम जरूर इना को रेटिंग देंगे। और वेरी नाइस कलेक्शन आप देख सकते हैं, इना का काम काफी इंप्रेसिव था, नो डाउट। थैंक यू। आज का 11 नंबर आप लोगों ने देखा कि कलेक्शन काफ़ी इंप्रेसिव थी, लड़कों और लड़कियों का काम नो डाउट काफ़ी अच्छा है, काफ़ी मेहनत की गई है, आप लोगों ने भी देखा मैंने भी देखा, तो ऐसी कोई बात नहीं, हम नहीं कहेंगे कोई ऐसी बात। मैं बताना चाहूँगा कि कौन सी कलेक्शन सबसे अच्छी थी। अब एक लड़की यहाँ खड़ी है जो झूठ बुलवाने की कोशिश कर रही है कि मेरी कैंडी फ्लॉस कैंडी फ्लॉस। हम ज़रूर आपको कैंडी फ्लॉस दिखाएंगे, कैंडी फ्लॉस भी अच्छी थी, लेकिन आई रियली थिंक ये जो स्टेज है मेरे पीछे ये भी बहुत इंप्रेसिव है, टॉप पे आता है सालसा वाला। और बाकी आप लोग डिसाइड करें और फेसबुक पे जरूर बताइएगा कि आपको कौन सी कलेक्शन अच्छी लगी। सो नाउ इज द टाइम फॉर द पिक्चर ऑफ द डे, चेक मी सो चेक आउट द पिक्चर्स एंड लेट मी नो। अरसलान जावेद, चेक शर्ट व्हिच आर नॉट इन फैशन दीस डेज, जींस इज ओके ओके, वॉच इज ओके ओके, शूज आर नॉट ओके, हेयर स्टाइल इज क्वाइट डिसेंट, सो ओवरऑल 4 out of 11, सॉरी अरसलान। Umar Nadeem, let's start with the hairstyle. Really good looking hairstyle, mashallah. The specs are also good. T-shirt is also good. White belt, not going with the look. Formal watch, jeans is good. So I will just give him 7 out of 11. शेख राशिद, आप देख सकते हैं शेख साहब की ड्रेसिंग सारे साफे एक ही बार पहनने की कोशिश कर ली शेख साहब ने। लेट्स स्टार्ट विद द हेयर स्टाइल, हेयर स्टाइल इज ओके, एविएटर इज नॉट गोइंग विद द लुक्स, द स्कार्फ ऑन हिज नेक ओके कलर, बट अगेन रियली रियली मेस्ड अप, द स्कार्फ ऑन हिज हैंड नॉट गोइंग विद द लुक, एंड अगेन अ छिछोरा स्टाइल, एंड शर्ट इज ओके, जीन्स आई विल नॉट से रियली गोइंग विद द लुक, एंड स्पेशली द शूज, overall a big disaster dressing because he is really confused what he wearing, so I will just give him 2 out of 11, sorry Sheikh brother. ये थी आज की पिक्चर्स, आई होप आप लोगों को पिक्चर्स पसंद आई होंगी, पिक्चर्स काफ़ी अच्छी हैं, डू सेंड अस पिक्चर्स, हम लोगों को काफ़ी अच्छा लगता है आप लोगों को रेट करते हुए। डे बाय डे आप लोगों का फैशन सीन ऊपर जा रहा है, वी कैन सी दैट, और काफ़ी इंप्रेसिव पिक्चर्स आ रही हैं और रेटिंग भी ऊपर जा रही है, आई एम रियली हैप्पी टू सी दैट। आप लोग हमें अपना फीडबैक और सजेशन बता सकते हैं 11 number@thestyle360.tv पे, एंड यू कैन ऑल्सो ईमेल अस एट 11 number@thestyle360.tv, एंड यू कैन ऑल्सो जॉइन अस ऑन फेसबुक व्हिच इज अ पेज कॉल्ड 11 नंबर्स। Alors on danse, alors on danse.